हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना व्लॉग्स। सो मैं बड़े दिनों बाद आई हूँ आज व्लॉग बनाने, और मैंने सोचा क्यों ना कोई नई नई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। स्पेशली मुझे डांस करने के साथ खाना बनाने में भी बहुत शौक है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ और मैं क्या बनाने जा रही हूँ, और भी बहुत सारी मस्ती होगी और मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं। ये क्या है बाबू? ये तो मुझे कुछ ढंग से पकड़ने भी नहीं देगा ये कैमरा। ओके, सो मैं आपके साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी। अभी मैं और बहन दुकान गए थे और पास्ता सब खरीद के लाए, जितने भी जो भी रेसिपी जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे सारे सामान लेकर आए हैं। तो अभी उसको धोना पड़ेगा, थोड़ा सैनिटाइज भी करना पड़ेगा, थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद हम बनाएंगे। और मैं आपको एक एक करके सारी रेसिपी बताऊँगी और ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं। ओके, सो मैंने अपने हेयर को अच्छे से बन बना लिया है और अब हम चलते हैं पास्ता बनाने। आपको चाहिए मैदा, दूध और बटर चाहिए, और मैंने ये पैन ले लिया है। बस इसमें बटर डाल दो, लेकिन आपको बटर जलना नहीं चाहिए। इस तरीके से बटर डाल के फिर आपको इसके अंदर डाल देना है मैदा। मैदे को मस्त आपको मिलाना है। ये मेरा पहले तो बटर एकदम अच्छे से हो जाए। हाँ, मैदे मैंने डाल दिए हैं। मैदे को मैं अच्छे से भूनूंगी, एटलीस्ट भूनना है मुझे। उसके डूचे नहीं बनने चाहिए, मैं ट्राई करना है, पर वो बन ही जाते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा उसको ब्राउन कर देना है। थोड़ा क्रीम भी चलेगा, बट ब्राउन हो जाए तो और अच्छा। और ऐसे दूध मिला दो। हाँ, थोड़ा दूध में आप कंजूसी कर सकते हो, क्योंकि दूध महंगा है। थोड़ा पानी वानी मिला लो तो सही हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए। और ये तब तक थोड़ा इसको आप चलाते रहो जब तक ये पेस्ट जैसा तैयार ना हो जाए। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आपको ज़्यादा चाहिए, तो इस हिसाब से आप अपना पेस्ट तैयार कर लो। वाइट सॉस जिसको बोलते हैं, इसमें आप नमक ऐड कर लो और ये तैयार हो जाएगा। बाद में इसके आगे की और इंग्रेडिएंट्स आप डाल सकते हो, जैसे कि अपना ये हो गया ऑरिगानो वगैरह। ये तो मेरा पेस्ट अरे क्या मेरा वाइट सॉस तैयार हो गया है। और फिर और ये मेरा सो मेरा पास्ता काफ़ी उबल गया है। और देखो कब तक, बहुत तेज भूख लगी है, कब तक बनता है देख सकते हो। एक्चुअली मैं दुकान पे अपना पास्ता भूल गई थी, तो फिर भाभी जाके पास्ता लेकर आई, इसलिए उबालने में थोड़ा टाइम लगा, बट ये उबल गया है। और बस मैंने ये जहाँ भी मैंने पूरा जो भी अपना वाइट सॉस बनाया था उसमें सारा पास्ता मैंने मिक्स कर दिया है। और इस तरीके से पूरा मिक्स कर देना है आपको। फिर उसके बाद अपना आप चीज़ डाल सकते हो, ऑरिगानो। ये देखिए और मैं यूज़ करने जा रही हूँ चीज़ भी डाल सकते हैं आप। ऑरिगानो मिक्स किया, थोड़ा मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, और मैंने एक 1 क्यूब चीज़ भी डाला। मैंने जितनी भी सारी चीज़ें थी इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सॉल्ट भी ऐड किया है और थोड़ा बटर भी मिक्स किया है। तो फिर मेरा in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with you. हो गया पास्ता, और बैन ने सैलेड बनाया था। बहुत टेस्टी लग रहा है खा रहे। अभी बहन और भाभी भी आएंगी, वो भी खाएंगी। यम्मी, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी लग रहा है। अक्सर ना मैं सिद्धू की कुर्सी पे ऐसे खाना रख के खाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है।
लोगों ने डिकार मार ली है और हमने पास्ता खा लिया है। कैसा लगा आपको भाभी पास्ता? बहुत अच्छा था। पता है इसके पहले क्या हुआ? एक्चुअली हमने एक वीडियो बनाया जिसमें ना मैंने माइक में लेकर बात तो करी थी, पर वो फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं था, तो मैं वापस से दूसरी बार बना रही हूँ ये वीडियो और मुझे भी अच्छा लगा। पर क्या, थोड़ा सा नमक कम था, थोड़ा ड्राई हो गया था, बट टेस्टी था। और जिस हिसाब से जैसे डांस मुझे अच्छा लगता है, वैसे मुझे खाना बनाना भी अच्छा लग रहा है। और भाभी सिद्धू ने खाया नहीं दूध पिया था ना इसे? अच्छा अच्छा, सिद्धू को तो बुलाओ। सिद्धू भाई कहाँ हो? ओके, सो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए, और होप आपको ये व्लॉग पसंद आए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड थैंक यू सो मच। बाय। मेरा सोचता हुआ पास्ता, यम्मी।